गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई नितीश शर्मा, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म ऑफ RIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। डियर स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में हमने बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, हमारी कम्युनिकेशन पार्ट में कौन कौन सी बाधाएँ आती हैं, ठीक है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, उसमें बाधक बनते हैं, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप्स के बैरियर्स हमारे काउंट होते हैं। पहला फिजिकल बैरियर्स, दूसरा सिमेंटिक बैरियर्स एंड थर्ड इज सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ठीक है, जिनमें फिजिकल और सिमेंटिक बैरियर्स के बारे में हम बात कर चुके थे। हमारी बात चल रही थी लास्ट लेक्चर में कुछ सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स के बारे में, जो सोशियो मीन्स सोशलिज्म से रिलेटेड, मीन्स हमारे आसपास के वातावरण, ठीक है, हमारे समाज, तो हमारी सराउंडिंग्स में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी कम्युनिकेशन का इफेक्ट करते हैं, या फिर साइकोलॉजिकल मीन्स मनोवैज्ञानिक, मीन्स हमारे माइंड से निकली हुई ऐसी कौन सी क्रिएशंस हैं या हमारे माइंड द्वारा बनाए गए, कहा जा सकता है कि बैरियर्स जो हमारे कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं आगे कंटिन्यू नहीं होने देते या उसमें बाधक बनते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को समझने का हम प्रयास कर रहे थे, जिसके अंतर्गत एक या दो फैक्टर्स को हमने समझ लिया था कि इसके अंतर्गत कौन से फैक्टर्स आते हैं सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स में, ठीक है। तो आज ऐसे ही कुछ और दो और कह सकते हैं कि लास्ट 2 फैक्टर्स इस पार्ट के हम सीखेंगे या समझेंगे कि किन के द्वारा हमारी कम्युनिकेशन इफेक्ट होती है, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम, किसकी टॉपिक है हमारा आज का, सोशियो सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ठीक है, सामाजिक या फिर मानसिक रूप से हमारे माइंड द्वारा क्रिएट किए गए कुछ ऐसे बैरियर्स जो हमारे कम्युनिकेशन पार्ट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, उनको समझने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है हमारा फैक्टर, अगर मैं बात करूं तो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इससे पहले मैंने बात की थी, बहुत सारी बातें होती हैं कि आपका पुअर अटेंशन, मतलब कहा जा सकता है कि फिजिकल और सिमेंटिक्स में मैंने बहुत सारी बातें की हैं इससे पहले, ठीक है। अब जो बात आ रही है सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये क्या है, सोर्स मीन्स स्रोत, जहाँ से कोई चीज़ निकली है या फिर जहाँ से कोई चीज़ किसी का स्टार्ट है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का एक सोर्स होता है प्रॉपर, सपोज मैं आपको जो कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ या मैं किसी से अगर बात कर रहा हूँ, तो उसका सोर्स कम्युनिकेशन का, कन्वर्सेशन का क्या है, मैं हूँ, बिकॉज वो बात मेरे द्वारा स्टार्ट की गई है या मेरे द्वारा जनित है, ठीक है, इसका सोर्स मैं हूँ। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कम्युनिकेशन का सोर्स देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है अपने आप में, ठीक है, सोर्स हमारा कितना प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, इन सारी चीज़ों को देखना आवश्यक हो जाता है। विदाउट सोर्स आपकी कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव वे में आगे रन नहीं कर सकती, ये आप भली भांति समझ लें इस चीज़ को, ठीक है। तो ये एक समझने वाला पॉइंट है कि विदाउट सोर्स कम्युनिकेशन प्रॉपर रन नहीं करेगी, इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। तो क्या है सोर्स, किस तरीके से अफेक्ट करता है हमारी कम्युनिकेशन को। सपोज मैं किसी एक सही मूड में नहीं हूँ, ठीक है, मैं किसी कन्वर्सेशन को डील कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन पार्ट को डील कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर उस कम्युनिकेशन पार्ट को डील करते टाइम मैं एक सही मूड में बात नहीं कर रहा हूँ, पॉजिटिविटी के साथ आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, तो उस कंडीशन में क्या है, वो सोर्स कहीं ना कहीं ख़राब है, ठीक है।
मेरे द्वारा जो बात की जानी है वो हो सकता है शायद मैं उस कंडीशन में प्रॉपर ना कर पाऊँ। तो क्या है, सोर्स ही ख़राब हो जाने की वजह से क्या होता है, कम्युनिकेशन हमारी इफ़ेक्ट हो जाती है, कई बार कम्युनिकेशन जो पार्ट है, प्रोसेस है, वो ब्रेक हो जाती है बीच में ही, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मिसकम्युनिकेशन। ठीक है, अब तो ये तो हो गई हमारी सोर्स की बात। अब एक जो फैक्टर ऐसा है जो कहीं ना कहीं हम लोग खुद करते हैं या हमारी वजह से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ब्रेक होती है, ठीक है, हम भी बैरियर का काम करते हैं कई बार अपनी कम्युनिकेशन के लिए। कैसे करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं इसको। दूसरा जो फैक्टर है वो बात कर रहा हूं मैं उसकी, इन अटेंसिवनेस। इतने से वर्ड को आप देखेंगे अगर तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा, अटेंशिव मींस अटेंशन से बना हुआ है, ध्यान देने के ऊपर बात की जा रही है। बहुत सारे स्टूडेंट समझ भी गए होंगे आप में से कि मैं आगे क्या बात करने वाला हूं, है ना, क्योंकि अटेंशन ना देना भी एक कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा बैरियर माना जाता है। ठीक है, आपको अगर कोई कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है बट आप उसने क्या किया, उसमें आपने अटेंशन अपनी नहीं दी, अपना ध्यान नहीं दिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो कम्युनिकेशन प्रॉपरली हेल्ड नहीं हो पाएगी, राइट। तो इस चीज को हमें समझने का प्रयास करना है कि हमें अटेंशन जरूर देनी है, कोई भी कम्युनिकेशन पार्ट विदाउट अटेंशन कभी कंप्लीट नहीं होता है, उसमें हमें टोटली अपना ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम उस चीज़ को समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है, और अंडरस्टैंड करने के बाद उसी तरीके से हम उसको क्या कर पाएंगे, फिर उसे डिकोड कर पाएंगे, मींस उसका फीडबैक दे पाएंगे। ठीक है, तो अटेंसिवनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है, डिस्ट्रैक्शन जो होता है वो हमारे कम्युनिकेशन पार्ट को बहुत बैडली इफेक्ट करता है और उसको कई बार ब्रेक कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप ही लोगों से जुड़ा हुआ है या फिर कह सकते हैं कि जनरली जैसा होता है, बिकॉज इसमें कोई हैजिटेशन, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, आप इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ आपको इंग्लिश ही नहीं सिखाता है, लिटरेचर पे ही फोकस नहीं करता, आपको अपनी कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव करनी है, साथ साथ कम्युनिकेशन कब इम्प्रूव होगी, जब आपकी हेजिटेशन थोड़ी दूर होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा फ्रेंडली होकर के इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, कि एक छोटा सा एग्जांपल, सपोज मैं आपको कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ बट क्लास में बैठते टाइम, लेक्चर लेते टाइम, एक किसी स्टूडेंट से कह सकते हैं कि गर्ल्स स्टूडेंट या गर्ल स्टूडेंट का अंदर एंट्री होती है, और वहाँ से क्या होता है, सीधा सीधा डिस्ट्रैक्शन हुआ और आपने क्या किया, उस कंटेंट को देखना छोड़ करके आपका ध्यान उधर चला गया, मीन्स आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, इसी पार्ट ने अफेक्ट किया हमारे और आपके बीच के कम्युनिकेशन प्रोसेस को, क्योंकि आपकी अटेंशन यहाँ से हट करके किसी अनदर पार्ट पर सेंट्रलाइज हो गई, राइट। होता है ऐसा कभी कभी, जनरली होता है, ठीक है, सभी के साथ होता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि अटेंशन जो है बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है किसी कम्युनिकेशन प्रोसेस, किसी कन्वर्सेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, विदाउट अटेंशन कम्युनिकेशन कभी हेल्ड नहीं होती है। ठीक है, उससे क्या होगा, वन वे कम्युनिकेशन होगी, एक पर्सन बोलता रहेगा, दूसरे का ध्यान नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें इफेक्टिव नहीं रहती हैं और ना ही बेनिफिशियल होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ दो फैक्टर्स और थे आपके सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स में जो काउंट होते हैं, इनके विषय में मैंने आपको समझाया। ठीक है, आई होप प्रॉपर समझ में आ गए होंगे, और एक बात मैं आप लोगों के बीच रखना चाहूँगा, आशा करता हूँ कि आप उसको प्रॉपर कर भी रहे होंगे, लेक्चर्स को सीन कर रहे होंगे, सीन करने के साथ साथ जो पॉइंट आउट करने वाली चीज़ें हैं आप उनको थोड़ा सा फोकस में लेकर के चलिएगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हमने अपने लिटरेचर पार्ट को, अपने सिलेबस को टच नहीं किया है, बिकॉज अभी भी आप या हम, ठीक है, दोनों ही कहीं ना कहीं इसी होप में है कि बहुत जल्द फिजिकली आप कॉलेज में होंगे, लेक्चर्स अपने अटेंड कर रहे होंगे क्लासरूम में बैठ करके। ठीक है, तो इसी वजह से कह सकते हैं कि उसके लिए हम थोड़ा रुके हुए हैं, जिससे कि आपका भी कहीं ना कहीं लॉस ना हो। ठीक है, बट आपका, आपकी स्टडी से, आपके कंटेंट से टच ना छूटे, उसके लिए भी हमने बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें जो आपके सिलेबस में हैं,
ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आपको मैं साइट से पढ़ा रहा हूँ या कोई अलग चीज़ पढ़ाई जा रही है, ठीक है। ये सारा वही कंटेंट है जो आपके सिलेबस में कहीं ना कहीं इंक्लूड है, जो आकर के आपको पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, तो उनका एक ओवरव्यू कह सकते हैं। तो इसको पॉइंट आउट करके रखिएगा, कहीं ना कहीं इसको लिख करके रखिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको इसको समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बाकी प्रॉपर नोट्स तो जब आप आएंगे तो बनाएंगे ही, ठीक है। अभी लाइटली बस इसको प्रॉपर सुनते चलिए, लेक्चर्स को सुनिए, समझने का प्रयास करिए। एक बार जो आपके पास पॉइंट आउट चीज़ें होंगी तो आप उसको एक बार फिर देखेंगे कि ये सर ने ऐसा बता रखा है, ये वास्तव में क्या है, ठीक है। कोई डाउट है, मेरा नंबर आप सभी के लिए हमेशा ओपन है, ठीक है। ग्रुप से आप सभी कनेक्टेड हैं, मैं सारे लेक्चर्स वहाँ डेली लिंक उसके पोस्ट करता हूँ, तो आपको प्रॉपर पता है कि मेरा नंबर क्या है, ठीक है। बाकी नाम से तो भली बात ही परिचित होंगे, डेली लेक्चर के स्टार्टिंग में सबसे पहले अपना नाम ही लेता हूँ, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में ही कोई डिफ़िकल्टी है तभी आप उसको क्वेरी करें, किसी भी सब्जेक्ट में अगर एक परेशानी आपको आ रही है, तीन लेक्चर्स जो हमारे सब्जेक्ट के पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ठीक है, एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट होने के नाते मैं कोशिश करूँगा कि उसको भी रिजॉल्व किया जा सके, आपकी समस्याओं को उसका समाधान किया जा सके प्रॉपरली, ठीक है, और कंटेंट को आपको और इफेक्टिव वे में आप तक पहुंचाया जा सके, जिससे कि आपको विदाउट एनी डिफ़िकल्टी उसको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे अपना कोई नया टॉपिक और समझेंगे चीज़ों को एक नई एनर्जी के साथ। ओके, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।